नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। योगी सरकार का शिकंजा भूमाफियाओं के आगे कमजोर साबित हो रहा है। एक तरफ सरकार माफिया राज पर अंकुश लगाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भूमाफिया जमीनों पर अवैध कब्जे कर सरकारी दावों को मुंह चिढ़ाते दिख रहे हैं। जमीनों की बढ़ती अहमियत में भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। बरेली की तहसील बहेड़ी में नगर की जमीनों पर लगातार कब्जों की शिकायत से पहले भी कई मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं। दरअसल बहेड़ी में बाईपास नेशनल हाईवे पर एक कीमती जमीन को लेकर दो समुदाय के लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं, जिसमें एक समुदाय के लोगों का कहना है कि उन्होंने जमीन को लेकर अपने कागजात एसडीएम को दिखाकर निर्माण की अनुमति मांगी, जिस पर एसडीएम बहेड़ी ने दिखाए गए कागजात की बुनियाद पर निर्माण की अनुमति दे दी, जिसके बाद वो अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे। इसी बीच दूसरे समुदाय के कुछ लोग निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए आ गए, साथ ही गाली गलौज करते हुए हमलावर हो गए। इसके बाद जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस के पहुंचने पर एक गुट मौके से फरार हो गया और दूसरे पक्ष के लोगों ने पुलिस को शिकायत करके इंसाफ की मांग की है। फिलहाल दोनों समुदाय के लोगों में काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा है और दोनों ही समुदायों के लोग जमीन पर अपना अपना दावा दिखा रहे हैं। मोहल्ला रामलीला का मैं निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री घासीराम है और ये मेरा प्लाट 6/4/1990 को मैंने लिया था, जिसका मेरे पास बैनामा है, खसरा है, खतौनी है, मेरे पास दाखिल खारिज के सारे पेपर्स हैं, किसान वही है, मेरे पास नक्शे में है। यह अखलाक भूमाफिया ये 2-3 बार मुझे अटैक कर चुका है। मेरी माँ बहन करिए इन्हें अब गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दी हैं और मेरे प्लाट पे कहता है आधा प्लाट लेके पहुँचा, आधा प्लाट मुझे दे और नहीं तो तुझे दड़े मैदान जान से मार दूंगा। और आज जान से मारने की कोशिश कम से कम 30-40 लोग ये आए और मास्क लगा के आए, इन्होंने आते आते मेरा गेट तोड़ दिया, मुझ पर डंडे करे, डंडेबाजी करी और उसके बाद में एलानिया असले हाथ में लेकर फायर वायर नहीं किया। इन्होंने एलानिया कहा मुझसे कि साले तेरी लाश हम यहीं डाल देंगे, तुझे आज जान से मार देंगे। इस तरीके की घटना इन्होंने मेरी बनी कंस्ट्रक्शन करा रहा था सामने, मेरे बच्चे बेरोजगार हैं और बच्चों के लिए मैं अपना एक दुकान का एक साइड से कोने पे एक कुछ कमरा बनवा रहा था, जिसे उन्होंने पूरा ध्वस्त बनाया कमरा। मेरे सारे ईंट पत्थर जो भी रोड़ा सामग्री थी, कुर्सी वगैरह मेरी, सब तोड़ दी और मैं हताश होकर मैं आपके सामने बयान दे रहा हूँ। अगर इसके साथ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, इसने मैं अपनी आत्मदाह कर लूँगा, 4 दिन मैं आत्मदाह करूँगा, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। और इसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। आप लोग देख लीजिए, इन्होंने मेरे मकान को ध्वस्त किया है, इन्होंने गेट तोड़ा है, पड़ोस में मकान है, जो सम्मी है, इसके सम्मी के घर में बच्चे जान बचा के भागे, उसमें इसने दीवारों पर ईंटें पत्थर मारी हैं, यहाँ से ईंटें पत्थर मार के बोले साले निकल, जबरिया घुसने का प्रयास किया है। मैं साहब बहुत हताश हूँ। मैंने 4 दिन पहले एसडीएम साहब से कहा था, मैंने कहा सर मेरा मकान मेरी जगह है, मैंने बैनामा खसरा खतौनी किसान वही जो मेरी दर्ज है रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड के सारे पेपर जुबला पेपर दिया मैंने उन्हें। उन्होंने कहा आप जाइए बनवाइए, मैं पुलिस को भेज रहा हूँ ये कागज आपका। वो कागज मेरा थाने में कोतवाली में है आया हुआ एसडीएम साहब के आदेश से, और मुझसे कहा कि आप बनवाइए, आपको कोई अगर 1921 करता है, कोई बदतमीजी करता है, 112 नंबर की पुलिस आपके पास पहुँचेगी। ये घटना आधा घंटा चली है, 1.25 घंटा मारपीट की, आज ज़्यादा ही चली होगी, समझे 1 घंटा। पुलिस भी अभी बाद में आई है साहब, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं तो हताश हूँ इस तरीके से भूमाफिया अखलाक। इसको फिरौती चाहिए, इसको इसके लड़के हैं बदमाश, इसके साथ कम से कम 40-50 लोग आए और बाकायदा इन्होंने ऐसी मार तोड़ करी, जो मजदूर काम कर रहे थे उनकी हड्डियां तोड़ दी मार के उनके। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।